हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ना मैं ये घरेलू नुस्खा बनाने जा रही हूँ, जिसको मैंने यूट्यूब पर देखा था और मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए ये है, तो तम्बाकू का पैकेट है छोटा, और उसमें से ये देखिए इस तरीके से तम्बाकू निकाल लिया है मैंने। अब इसमें जो है डालना है बेसन, और बेसन में इस मतलब जितना ये है ना, इसके हिसाब से डेढ़ या दो चम्मच, जो छोटे चम्मच होते हैं ना, डेढ़ या दो चम्मच आप इसमें डाल दीजिए, जिसमें छोटी छोटे आपको बॉल्स बनानी होंगी। तो उसके लिए ताकि वो चार या पांच जितना भी आप छोटे छोटे बनाना चाहें उतना बना सकें। तो लेकिन लगभग इसमें डेढ़ चम्मच बेसन ये है, डेढ़ चम्मच बेसन के लिए इतना तम्बाकू ठीक है जैसा उसमें बताया गया है, और वो ले लिया है मैंने। और इसमें डालेंगे हम वो घी, घी क्योंकि ना जो चूहे होते हैं भाई, चूहों के लिए बन रहा है ये सॉल्यूशन, ताकि वो मतलब ऐसा दावा किया गया है इसमें कि इसको खा के चूहे भाग जाते हैं और नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है कि भाई हम मारेंगे भी नहीं, और वो इसकी खुशबू से या इसके नशे में जो भी चीज़ होती है उससे वो भाग जाते हैं। तो बस मैं यही आज ट्राई करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये बना के, हल्का सा इसमें पानी डालना है, बहुत ज़रा सा, क्योंकि ये पहले इतना थोड़ा सा है, अगर गीला हो जाएगा तो मुश्किल होगी उसको बांधने में, मतलब छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े बनाने हैं या गोल गोल बनाने, जिस भी जैसा भी तोड़ के डालने लायक हो जाए वो। तो इस तरीके से देखो इसको सान लिया है, ज़रा सा पानी डाल के इसको मिला लिया है, और इसके बाद इसकी गोलियां बना के रख देनी है आपको, जहाँ पे लगता हो कि चूहे ज़्यादा आते हैं उस जगह पे। और उसके बाद ना पानी नहीं, मतलब आसपास कहीं पानी नहीं होना चाहिए, खुला हुआ या सिंक में कहीं भी ऐसी जगह पानी ना रहे उसमें, ताकि इसको खाएँ तो वो ऐसा उसमें कहा गया था कि वो पानी के लिए दौड़ेंगे इधर उधर, तो इस पानी की तलाश में वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए उस दिन आपको, जिस दिन ये रखेंगे उस दिन आपको पानी नहीं रखना है बिल्कुल भी आसपास, इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए ये तैयार हो गया है। मैंने कहा चलो ये करके देखा जाता है, और जब मैं कर ही रही हूँ तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अपने चैनल पर भी डाल देती हूँ ये। तो इस तरीके से देखिए ये बन के तैयार हो गया है। बेसन और घी इसलिए लिया जाता है ना, ताकि वो उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो सकें चूहे। और देखिए इस तरीके से बना बना के मैंने बराबर बराबर रख लिए हैं। इतने में मेरे, मैंने छोटी छोटी पांच गोलियां बना दी थी, और किचन में ही रखा था मैंने, क्योंकि किचन में ही दिखते हैं हमें चूहे ज़्यादा हमारे यहाँ, तो इसलिए मैंने इसमें जो है पांच गोली बनाई। और गोली बनाने के बाद जैसे आप गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं, या स्टैंड वगैरह है उसके नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सिंक के नीचे भी रखा था वहाँ, और इस तरह से पांच जगह पे किचन में ही रख दिया था मैंने। और देखते हैं कि कल इसका रिज़ल्ट कैसा रहता है, और रिज़ल्ट क्या होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग भी करके ट्राई करके देखिएगा कैसा रहता है ये। तो देखिए मेरा ये बन गया है, और अब मैं इसको जा रही हूँ रखने, ताकि उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हों और खाएं। और बस फिर कल मिलते हैं, कल की वीडियो में बताऊंगी मैं कैसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो आपने वीडियो देखी है कल रात की थी, तो ये मैंने कल रात को ही बना कर रखा था कि देखेंगे अगले दिन कैसा रहता है, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे की वीडियो शेयर करूँगी। तो ये मैंने कल बना के तैयार करके रखा है हर जगह। आप लोग जानते ही हैं कि ये है, जैसे आप, हर घर की प्रॉब्लम होती है, मच्छर है, कॉकरोच है, चूहे हैं, ये सब चीज़ें हर घर में होती ही हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या जगह का भी फ़र्क हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी होती हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है ये है चूहों के लिए, और ये मैंने यूट्यूब पर देखा था, और इस पर 20 मिलियन व्यूज़ थे। मैंने कहा भाई इतना बड़ा व्यूज़ वाला वीडियो है तो चलिए हम भी ट्राई कर लेते हैं, और ज़्यादा इसमें ऐसा खर्च भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता, एक रुपये, हालांकि एक रुपये नहीं, एक रुपये से ज़्यादा लगा, क्योंकि जो तम्बाकू थी वो एक नहीं मिली थी, उसके मतलब वो पूरा सेट मिलता है, तो वो 3 रुपये का ऐसे कुछ था शायद मैंने मंगवाया था, तो वो उसकी छोटी वो जो साथ में था टबैको में तम्बाकू जो मिला था ना वो यूज़ हुआ है, तो इसलिए वो 1 रुपये का नहीं है। 1 रुपये का हो सकता है मिल भी जाता हूँ कहीं कहीं, पर हाँ जो मैंने मंगाया था वो 1 रुपये का नहीं था। तो वो प्लस आपने उसमें घी ऐड किया, बेसन ऐड किया, तो वो सिर्फ 1 रुपये का सॉल्यूशन नहीं रह गया, वो थोड़ा महंगा हुआ, लेकिन फिर भी मतलब घर में, मतलब ऐसी चीज़ है जो घर में रहती ही है, तो उसको यूज़ करके अगर
चूहों से छुटकारा मिल सकता है तो भाई इतना तो कर सकते हैं, इससे थोड़ा और ज़्यादा भी होता तो कर देते, लेकिन चूहों से छुटकारा चाहिए। और मारने का भी मन नहीं होता, लगता है यार मर जाएंगे, इधर उधर बदबू आएगी और फिर अजीब भी लगता है थोड़ा सा जान लेना ना। तो चूहे की दवा वगैरह हम लोग वैसे भी नहीं डालते हैं, सबको ऐसे लगता है अरे भाग जाएंगे, कुछ ऐसा करते हैं कि ये हो जाए। तो ये मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो भाई अच्छा है, इसमें मरते नहीं है चूहे और घर से बाहर चले जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, तो इसलिए इसको चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको ट्राई किया और कल रात को मैंने बना के रखी थी ना, 5 गोलियां रखी थी ये मैंने बना के, 5 में से 3 जो है वो नहीं मिली जहाँ पे रखी थी मैंने, और 2 पड़ी हुई थी वो नहीं, मतलब नहीं खाया चूहों ने, नहीं यूज़ किया उन्होंने। और चूहे का ऐसा था ना कि अभी मैंने जो सुबह से ऑब्जर्व किया तो चूहे पहले से कम दिखे थोड़े, जैसे बैठ जाओ ना साइड में किचन में देखो तो इधर उधर भागते हुए एक आध एक आध नज़र आ जाते थे, आज एक आध दिखे हैं तो बड़े सुस्त से दिख रहे हैं वो, मतलब एक खिड़की के पीछे बैठा हुआ था तो उसको भगाया हमने वहाँ से, तो कम दिखे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से भाग ही गए, ऐसा भी नहीं है, दिखे हैं हाँ कम दिखे हैं। अब एक आध दिन में और पता चलेगा, ऐसा नहीं हो कि वो कहीं मतलब उनको होश ना हो पड़े और वो वापस से आ जाए, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से कारगर है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मुझे कम समझ में आ रहे हैं चूहे, कि कम दिख रहे हैं। अब एक आध दिन में पता चलेगा कि क्या इसका रिजल्ट रहता है, हालांकि जितना मैंने डाला था तो उसमें कम ही यूज, मतलब 3 ही ऐसे थे जो चूहों ने खाया है, या हो सकता है वो खींच के इधर उधर ले गए, लेकिन जहाँ पे रखे थे वो 3 ही मतलब खर्च हुए हैं, 2 रखे हुए हैं। तो वही मैं कह रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि जो ये चल रहे हैं ये गुटखा के शौकीन हो और इनको तम्बाकू अच्छी लगती हो इसलिए इनको कुछ नहीं हुआ, और जो बेचारे नहीं दिख रहे हैं उनको तम्बाकू नुकसान कर गई। खैर मजाक की बात है, तो चूहों से छुटकारा के लिए पूरी तरह से कारगर है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर खा के चले जाते हैं कभी नहीं आते हैं ऐसा भी नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन को हम बना के बीच बीच में एक एक दो दो दिन के गैप पर रखते रहें तो शायद वो भागे, ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से कारगर है, लेकिन फिर भी अभी आज तो कम नज़र आ रहे हैं, और मैं फिर कभी बताऊँगी कि और कम हुए या कैसा रहा इसका रिज़ल्ट। तो आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिए है ना, क्योंकि इसमें ऐसा खर्चा नहीं है कि नहीं कर सकते, थोड़ा सा खर्चा है कर दीजिए, तो थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ है ना। तो ठीक था, अभी मैंने इसको कर लिया, इजी था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको मिक्स करके गोलियां बना के रखनी थी तो वो रख दिया, और आज चूहे कम नज़र आए हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो गए, हाँ लेकिन रोज़ के कंपेरिजन में आज कम थे, तो इसलिए ये ट्राई किया जा सकता है, आप लोग भी करके देख सकते हैं, फिर आप लोग बताइए कि कैसा है इसका वो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।